मंच पर पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिल के किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग MPs, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने MPs को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो BJP की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए,
जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए, लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं, ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला, को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था, ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं, एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना, और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके, पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है, अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा, और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। इसीलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़ के देश में इस गठबंधन को मजबूत करके चलाएंगे। इतना ही कह के मेरे दो शब्द को। सर,
आप पूछने दो, दूंगा एक को सवाल। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सिद्धार्थ, हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना एक दो तीन इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। हाँ, अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे कुछ चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू।